The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे पेनिस के बारे में। जी हां, आपके पेनिस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हर लड़का, हर मर्द, हर इंसान जो होते हैं, वैसे तो हर पुरुष इस बारे में कभी ना कभी सोचता है कि कहीं मुझे कोई पेनिस प्रॉब्लम तो नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, राइट? इरेक्शन प्रॉब्लम से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को लगता है पेनिस में, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं है, मेरा पेनिस नॉर्मल है कि नहीं है। सो ऑब्वियसली पेनिस की जो हेल्थ है वो इरेक्शन से ही नापी जाती है, कई लोग ऐसा सोचते हैं और कई लोग हैं, लेकिन ये बहुत सारा कुछ और भी है पेनिस के हेल्थ के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। ऑब्वियसली एक है आपके ओवरऑल हेल्थ में पेनिस का इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि सिर्फ इरेक्शन या इजैक्यूलेशन या रिप्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, और भी बहुत सारा इम्पॉर्टेंट रोल है उसका। बिकॉज अगर कहीं पेनिस की अंडरलाइन हेल्थ कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये हो सकता है कि वो आपके अंदर कोई दूसरी बीमारी के वजह से आ रही हो, कोई और कंडीशन के वजह से आ रही हो, और यहाँ तक कि आपके एग्जिस्टिंग बीमारियाँ आपके पेनिस पे इफेक्ट कर सकती हैं और पेनिस के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर प्रॉब्लम आती है पेनिस में, तो ये सिर्फ आपका फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपके मेंटल प्रॉब्लम, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रॉब्लम, डिप्रेशन से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लिटरली एक इंसान को सुसाइड अटेम्प्ट तक ले जाती है ऐसी प्रॉब्लम। कई लोगों को ये थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन इतना कर देती है पेनिस प्रॉब्लम्स। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि पेनिस की प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं और उसे कैसे कैसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक करते हैं, राइट? साइंस एंड सिम्टम्स क्या होती हैं, पेनिस की प्रॉब्लम किस किस प्रकार की होती हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स स्टार्ट, राइट? सबसे कॉमन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये याद रखिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर आप करते हैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ या इवन एक पार्टनर्स के साथ जिसके मल्टीपल पार्टनर्स हो, तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का रिस्क होता है, ऑब्वियसली इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। वो एक फैक्टर है जो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, राइट, आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो चीज़ कंट्रोल करना आपके हाथ में है, ये सारी बीमारियां, क्योंकि इनका इफ़ेक्ट भी आपके पेनिस पे पड़ता है, डायबिटीज़ का, हाई ब्लड प्रेशर का, इरेक्शन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को, यहाँ तक कि इनके लिए जो दवाइयाँ चलती हैं, मेडिकेशन, राइट, उन मेडिकेशंस के साइड, कई मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स होते हैं पेनिस के ऊपर, पेनिस हेल्थ के ऊपर, राइट? और कई प्रोसीजर्स के, कई ऑपरेशंस के, आपके पेनिस के आसपास प्रोस्टेट ग्लैंड है, उस प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाए, उसका आप ऑपरेशन करा रहो, और या पेनिस के यूरिथ्रा में कोई ऑपरेशन कराओ, यूरिनरी ब्लैडर में कोई ऑपरेशन, तो पेनिस के हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो पूरी बॉडी के ब्लड वेसल्स, खून की नलियां जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, साथ ही बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हमने डेडिकेटेड वीडियो में बताया है स्मोकिंग के साइड इफेक्ट, साथ ही स्मोकिंग से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर हॉर्मोन्स, ऑब्वियसली हमने सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो इरेक्शन प्रॉब्लम होता है, ये तो बहुत कॉमनली नोन है, लेकिन ये फैक्टर बहुत बड़ा है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम होता है, ना सिर्फ आपका इरेक्शन प्रॉब्लम होगा, आपको सेक्सुअल डिज़ायर या लिबिडो वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो हॉर्मोन्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर ज़रूर है। और हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टेस्टोस्टेरोन पे भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी है जिसमें हमने बताया है क्या क्या फैक्टर से आप खुद ना जाने अनजाने में अपना टेस्टोस्टेरोन कम करवा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापे से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, कम सोने से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो वो आप जरूर देखिएगा वीडियो टेस्टोस्टेरोन वाला, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर टाइप करेंगे, वीडियो मिल जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा तो अच्छा, और वैसी टेस्टोस्टेरोन कम तो प्रॉब्लम, FSH ज़्यादा तो प्रॉब्लम, ये है उल्टा है, राइट? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फीमेल में होता है, राइट? देन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट?
अगर आपको इरेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है आपको कंसर्न हो, एक बार हुआ आपको लगेगा ये फिर से तो नहीं होगा, फिर से ना हो उसकी आपको एन्जाइटी हो जाएगी, आप चिंतित हो सकते हो, परफॉर्मेंस एन्जाइटी हो सकती है आपको, लिटरली डिप्रेशन हो सकता है इसके चक्कर में, और फ्यूचर में आपके जो परफॉर्मेंस है, आपका जो इरेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, राइट? देन न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, येस यू कैन हैव अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक स्ट्रोक, आपको स्पाइनल कॉर्ड में या बैक में अगर इंजरी हो जाए, वहाँ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी या दिमागी कोई बीमारी, डिमेंशिया, भूल जाने की बीमारी हो जाए, तो ये सब चीज़ें बेसिकली नसों की बीमारियाँ हैं। तो नर्व इम्पल्सेज ही हैं जो आपके एक्चुअल पेनिस को कंट्रोल करती हैं। तो दिमाग से अगर दिमाग में ही बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी जो वहाँ जाने वाली नस को कंट्रोल, तो इरेक्शन डिस्फॉर्मिटी हो सकती है। याद रखिए, इरेक्शन में कौन कौन काम करता है, आपका दिमाग सिग्नल देता है, राइट? वहाँ पर सिग्नल होगा तो ही अराउज होंगे आप, वहाँ पे अराउज होंगे तो ही सिग्नल पे वो काम करेगा। दूसरा, आपके ब्लड वेसल्स वहाँ पे डायलेट होते हैं, तो वहाँ जाने वाले दिमाग के खून की इलेक्ट्रिकल नस, खून की नस, वहाँ पे आपका डिसहार्मोन लेवल्स, और ये सब के साथ साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में चल क्या रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, आप डिप्रेस तो नहीं है, ये तो नहीं। पाँच फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इरेक्शन के लिए, वो भी बाकी तो है ही, लेकिन इसके साथ उम्र भी बहुत बड़ा फैक्टर है। उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जाता है, राइट? आपका इरेक्शन कम होता जाता है, आपका डिज़ायर कम होता जाता है, ये होता है। सो उम्र एक ऐसा फैक्टर है जो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन बाकी सारे में से चेंज कर सकते हैं। पियर्सिंग, जैसे कई लोग पेनिस के ऊपर पियर्सिंग कर लेते हैं, पियर्सिंग से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपका यूरिनरी फ्लो डिसर्ब कम हो सकता है, फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है, पेशाब की नली, पेशाब की धार में प्रॉब्लम आ सकती है, और डिपेंड करता है कि कहां पे इरेक्शन, कहां पे आपने पियर्सिंग किया। अगर पियर्सिंग गलत जगह पे कर दिया तो फिर इरेक्शन में, ऑर्गेजम में भी प्रॉब्लम आ सकती है, दर्द हो सकता है, पेनफुल ऑर्गेजम हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट। मैस्टर्बेशन, फिर मैस्टर्बेशन पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ है, सवाल है, बहुत सारा गलत बातें, प्रोपेगेंडा है दुनिया भर में, उल्टा सीधा बोलते हैं लोग कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मैस्टर्बेशन से एक्चुअली पेनिस पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता, रूटीन मैस्टर्बेशन से, इवन इफ आप अगर रोज कर रहे हो, राइट? लेकिन अगर आप काम धंधे छोड़ के ऑब्सेसिवली उसी के पीछे हो तो वो एक तरीके से एडिक्शन है। एडिक्शन अलग चीज़ है, लेकिन वो फिजिकली आपको एग्जॉस्ट कर देगी, थका देगी, राइट? उस समय अगर बहुत ओवर करोगे, लेकिन पेनिस पे कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा। परमानेंट डैमेज हो सकता है एग्रेसिवली मैस्टरबेट करने से या एग्रेसिव सेक्स करने से, बहुत ज़्यादा एक्रोबैटिक, एग्रेसिव, उल्टा सीधा कूदने फांदने, उस तरीके के सेक्स से कई बार ये हो सकता है। अगर इरेक्ट पेनिस आपका गलत फोर्स से बहुत ही फोर्सफुली टेढ़ा हो जाए, बहुत ताकत से, तो वहाँ पर पेनिस फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर इवन फ्रैक्चर ना हो तो बेंट हो सकता है, वो परमानेंटली बेंट हो सकता है, दैट इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, ट्रॉमा हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं पेनिस के ऊपर, रिमेंबर दैट। और मैस्टर्बेशन पे एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, और इवन एक हमारे FAQ चैनल्स पे उसके ऊपर जितने भी सवाल होते हैं उसके ऊपर सीरीज भी चल रही है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर, और वो सीरीज में आपको आंसर जरूर मिलेंगे। फिर बात आती है कि कई प्रॉब्लम्स पेनिस के अंदर जनरेट होते हैं वहीं पर, जैसे कि एक तरीका प्रॉब्लम इरेक्शन प्रॉब्लम। अब इरेक्शन प्रॉब्लम में सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, इरेक्शन और इजैक्यूलेशन, ये दो प्रॉब्लम दो एक साथ है, राइट? ऑब्वियसली इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऑब्वियसली कि इरेक्शन मतलब इरेक्ट पेनिस का इरेक्श होना और इरेक्ट रहना कि इंटरकोर्स हो सके, और इजैक्यूलेशन मतलब जो बाहर निकलता है आपका सीमेन, स्पर्म्स, वो बाहर निकलते हैं इजैक्यूलेशन। अगर लेकिन कई बार अगर कहीं ये हो गया कि मान लो आपका इरेक्शन या फिर आपका इजैक्यूलेशन जो है, पहले तो इरेक्शन आपका हो रहा है लेकिन दर्द हो रहा है, पेनफुल इरेक्शन, वो भी बिना किसी सेक्सुअल स्टिमुलेशन के, कोई स्टिमुलेशन नहीं, कोई मन नहीं कर रहा, कोई डिजायर नहीं, पर इरेक्शन है और पेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रायाप्रिज्म। प्रायाप्रिज्म एक बीमारी है, वो इसको बोलते हैं, वो हो सकता है, राइट? दूसरी चीज होती है जब आपका आप इजैक्यूलेट ही ना कर पाए, इजैक्यूलेशन हो ही नहीं पा रहा, या फिर प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन हो जाए, जल्दी हो जाए या हो ही नहीं पा रहा, या फिर डिलेड लंबा टाइम ले रहा है, या फिर दर्द हो रहा है इजैक्यूलेशन के टाइम, दर्द होने लगे या रिड्यूस हो जाए, इजैक्यूलेट रिड्यूस कम हो जाए, या फिर कई बार रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन भी होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब कि
कि पहने से इजैक्युलेशन हो रहा है, ऑर्गेजम आ रहा है, आपको फील हो रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा, आपका वीर्य, आपका स्पर्म, सीमेन, वो पीछे आपके ब्लैडर में, पेशाब की थैली में जाके गिर जाता है, वो भी होता है, राइट? सो आपको समझना जरूरी है कि आपको अगर कुछ हो रहा है तो वो क्या है इनमें से, राइट? दैट्स वाई यू नीड टू नो कि क्या क्या होता है और क्या होता है. एन ऑर्गेजमिया होता है.